और चलिए सीधा रुख करते हैं पूर्णिया बिहार का, जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन की रैली में संबोधित कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है।